सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक क्रांत में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली मार्च 2024 एंड हो चुका है और यहाँ पर वन प्लस वालों ने अपने डिवाइसेस के अंदर ऑक्सीजन ओएस 13 एंड ऑक्सीजन ओएस 14 का काफी सारे डिवाइसेस के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही वन प्लस वालों ने काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन का अपडेट प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पर मार्च मंथ का फुल डिवाइस लिस्ट और सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट के बारे में बताऊंगा, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के डिवाइस लिस्ट और सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट के बारे में बताने से पहले हम चलते हैं वन प्लस के ऑफिशियल कम्युनिटी पेज पर। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो भी न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट होता है उसका इन्फॉर्मेशन हमें वन प्लस के ऑफिशियल कम्युनिटी पेज पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अभी जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट हो रहा है उसमें किसी किसी डिवाइसेस को फरवरी 2024 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज देखने को मिलता है और किसी किसी डिवाइसेस को 5th मार्च 2024 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मार्च मंथ के डिवाइस लिस्ट की बात करें तो वन प्लस 10T, वन प्लस नॉट 3 एंड वन प्लस नॉट C2 लाइट के अंदर ऑक्सीजन ओएस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ वन प्लस ओपन, वन प्लस 12 एंड वन प्लस 11 आर के अंदर ऑक्सीजन ओएस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ वन प्लस 10 प्रो, वन प्लस 10 आर एंड वन प्लस 8 एंड 8 प्रो को ऑक्सीजन ओएस 13 एंड ऑक्सीजन ओएस 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ वन प्लस 9RT, वन प्लस 9 प्रो एंड वन प्लस 12 को ऑक्सीजन ओएस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा वन प्लस 12R, वन प्लस नॉड C2 एंड वन प्लस नॉड N20SE को ऑक्सीजन ओएस 13 एंड ऑक्सीजन ओएस 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा बात कीजिए अगले डिवाइसेस की तो वन प्लस नॉड 2T, वन प्लस नॉड C3 5G एंड वन प्लस नॉड 2 को ऑक्सीजन ओएस 13 एंड ऑक्सीजन ओएस 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ वन प्लस पैड, वन प्लस 8T एंड वन प्लस नॉड C3 लाइट को ऑक्सीजन ओएस 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा वन प्लस 12, वन प्लस 11 एंड वन प्लस 9R को ऑक्सीजन ओएस 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ मार्च मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों बात की जाए वन प्लस के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप वहां पर जाकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑक्सीजन ओएस 13 एंड ऑक्सीजन ओएस 14 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ऑक्सीजन ओएस 14 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा फुल डिवाइस लिस्ट जिन्हें ऑक्सीजन ओएस 13 एंड ऑक्सीजन ओएस 14 का अपडेट देखने को मिला, साथ ही वन प्लस के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट के बारे में बताया हूँ। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।